अप्रिसिएशन अप्री सर्टिफिकेट फ्रॉम दिन गवर्नमेंट टू आपको पता है कि मोटरसाइकिल के लिए एक अवार्ड है जिसका नाम है आयरन बर्ड्स वो हमजा नहीं नहीं मेरे <laughs> पास अभी नहीं है एक ए आई सिस्टम हो किसी किस्म का जो की आपकी गाड़ी के अंदर कैमरा लगाओ जहाँ हेडलाइट नजर है ना साले आता सा। <laughs> शबीर को नहीं पता था की मैं कौन हूँ और कोई मेरे ख्याल दो तीन लाख शायद सब्सक्राइबर्स होंगे और स्टेज पे सारे साथ खड़े हुए तो मैंने कहा हेलो शबीर हेलो <laughs> तो यार है है तो ये आपको एक फन फैक्ट पता पता कि ऊंट का गोश्त से टूट जाता रीजन नहीं ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल नहीं होते मीट इज एक्चुअली वेरी क्लोज टू मीट ऑफ गोट द टेस्ट लाइक दैट आई सपोज कोट दाइक ज़्यादा बदतमीजी नहीं चलेगी आज हमारे पास अच्छा रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट बुलाए पहनी है आज हम तमीज से बात करेंगे आज बाल मैं... पूरी। तो पहली बात आज हमने घड़ी पहनी है कॉलर वाली कमीज पहनी है तो आज हम भाई से इज्जत से बात करेंगे तो शुरू में कह दिया था मेरे से ज्यादा बदतमीजी आज ना करना क्योंकि ये तुमने तो शुरू पत... होते ही मेरे पहले कपड़ों पे अटैक किया उसके बाद तो तुमने मेरे हेयर कट पे अटैक किया नहीं किया नहीं मैंने किया। तो भी गेस्ट अभी गैस अभी नहीं, नहीं, नहीं किया अभी दांतों पे नहीं आज <laughs> हमने ब्रश भी किया ब्रश हेयर ब्रश क्या मतलब ब्रश हैं यार ये किस तरह की तुम

थोड़ा सा तो, चलता चलो थोड़ा सा चलता है। तो तो मुझे सिर्फ बात बताओ कि जब से हमने ये वाला सीजन शुरू किया अपना पॉडकास्ट का तब से मैं कितनी दफा लेट हुई हूँ सिर्फ फर्स्ट टाइम लेट हुई मैं। दूसरी दफा लेट दिस नॉट द चीफ गेस्ट ऑफ दिस शो we have invited a very interesting individual and actually a very interesting couple for the day this guy so let me actually go a little bit uh, in the past me inse event or event and then he became like this massive youtuber who has like millions and millions of followers across all platforms and millions and millions of views each month this guy is getting and he has these series that he does on his bike goes to some exotic locations all around the world and just makes amazing content and i'm personally a huge fan of this guy so ladies and gentlemen put your hands together for mr and mrs rhs Salam rhs you, and you. maha <laughs> thank you ji sabse to itna good uh, introduction एक स्टार हो और वो इस तरह की बातें कर रहा हो किसान अच्छा कर है रहा है थोड़ा सा अच्छा वो मुझे एक्चुअली वो जो अभी अच्छा एक्चुअली वो वाला जो वाक्य है वो मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है एक फ़ोन का वो इवेंट था और हम सारे जो है ना वो स्टेज पे थे और मतलब पहली दफ़ा मैंने जो है वो हमारा कोई इस तरह का इंटरेक्शन हुआ था बट शाह को नहीं पता था कि मैं कौन हूँ और कोई मेरे ख्याल दो तीन लाख शायद सब्सक्राइबर्स होंगे और स्टेज पे सारे साथ खड़े हुए तो मैंने कहा हेलो शबीर क्या था हेलो यार सही है बंदा ये मैंने कहा मतलब सारी आवाम तो सामने थी और <laughs> स्टेज <laughs> पे सब खड़े थे हेलो इसमें मैंने देखा भी ऐसे ऐसे करके बाद में फिर जब बात हुई तो फिर look the thing is Arjus नीकल is so tall that when you look at him it just looks like you're rolling your eyes like okay hello you know it's not like that it's like hello तभी तभी उन्होंने full उस action में कर यार बंदा इस खिताब खड़ा ऐमी अजीब सा लगना शुरू हो जाता है <laughs> You know what I mean? Like, I was standing with him, he showed me pictures, and I looked, some, I looked like some midget guy who has no followers. And just standing with this, like, great Kelly or some guy like that. And just like, you just get like, you lose your confidence, you know? So, what do you say? Hello, Sauliko. No, you just say hello. <laughs> so, uh, that is RHS. Not only that, the introduction actually involves the fact that my guy went to Canada recently and won the pride of. Uh, appreciation certificate. Appreciation, appreciation uh, certificate and from the Canadian uh, government. Yes, dude, that is huge. Or, huge uh, coronation news. pin of King Charles. अच्छा बस हो गया तो तारीफ थे। <laughs> थे। हम यानी तो <laughs> <रहना जाए। laughs> या, ये बंदा नी, सारे नी, वो काम कर रहा है जो मैंने ड्री, ड्रीम मैंने की थी आप इज ह्यूज डील राइट नाउ Uh, alhamdulillah and in the future it's going to be two but dude this show is not about you i apologize it's actually about maha <laughs> <laughs> Bilkul, yaar. how are you maha i'm good how are you i'm very good recently you... sunnah sunnah i have a new shadi <laughs> 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 wow wow that's the upload in sunnah mahanishadi liya are just so and recently you also uh, Made your account public. Instagram account public. Yes, So, you are now entering into this entire influencing um, zone. Maybe I won't call myself an in influencer, Abhi. Because I didn't do it because I have a blogger effect. I don't think so. But I have a plan that I will soon open clinic.

<laughs> तो बुरा लगता है के नाम से से जो एकदम वर्ड निकलना शुरू हुआ था कि तो अच्छा, कोई बीमारी का नाम लगता है हर बंदा बन, हाँ इंफ्लुएंजा बना हुआ है और अब अब वो जो लोग कहते थे वो लोग भी फुल हाँ, किधर है आप लोग आजकल हाउस टीवी योर टेलीविजन गोइंग नहीं यार हम इतना इतना ऊपर नहीं करेंगे बट सो दीज आर आई वेस्ट फॉर द डे थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग टाइम गायर टू इट मैन हाउड यू हाउ इज योर ट्रिप टू कैनेडा आई वोट आई वोट गो थ्रू आज का मेरा पॉइंट है ऑब्वियसली टू गो थ्रू योर जर्नी And then both of you, what you guys are setting up together. Uh, then you opening your own clinic. So we're going to know a lot about you guys today. So what's up? Start talking. मेरे गाँव तो। <laughs> तो गए थे हाँ, मेरे, मेरे, <laughs> <laughs> तो मुझे पसंद तो बहुत आया लास्ट टाइम गलती से उन्होंने बेचारों ने मुझे वीजा दे दिया लास्ट ईयर तो मैंने दिसंबर में गया पहला ट्रिप करने और दिसंबर में तो पूरा स्नो और सारा उस ट्रिप में मैं टोरंटो गया दो दिन और फिर मैं कैलगिरी चला गया क्योंकि वहाँ पे कज़न होते हैं तो उन उन्होंने मुझे ट्रिप करवाया बैंफ का और इस तरह एक दो दिन का ट्रिप था मुझे वो मतलब स्नो में हमें हम पाकिस्तान में है तो यहाँ पे इतनी खास स्नो नहीं होती मुझे स्नो में बड़ा अलग लगा सब कुछ ना कि क्या खूबसूरत है लेकिन हर बंदे का मुझे मैसेज आ रहा है कि तुम बड़े गलत टाइम पर कैनेडा आ गये वहाँ वाले लोगों का या सब मुझे जो भी मिल रहा है वो कह रहे वगैरह तुम मतलब दिसंबर में क्यों आयो और मुझे सारी चीज़ें अच्छी लग रही है मैं कह रहा वो ये क्यों कह रहे हैं कि मैं गलत टाइम पर आया हूँ सब इतना फिट लग रहा है मतलब इतनी स्नो है हर चीज़ ज़बरदस्त है अच्छा सब मुझे कहें कि तुमने मस्ट है कि समर में आना है अब मैं सोच रहा था कि ठीक है समर में पता नहीं अलग कुछ हो जाएगा देखता हूँ जाके तो प्लान मैंने किया हुआ था कि आ, समर में ट्रिप करूँगा लेकिन बीच में शादी आई और वो सब चीज़ें हो रही थी तो कोई कंफर्म नहीं था और अभी रिसेंटली कोई एक महीना पहले मैंने प्लान किया कि करते हैं ट्रिप तो अब मैंने ये बाइक ट्रिप क्यों किया इसका मैंने सोचा हुआ था यूरोप का करने का कि मुझे बॉर्डर uh, क्रॉसिंग्स और यहाँ से बाइक अपना लेके जाना रोड से वो मुझे बहुत वो मुझे नहीं ठीक लगता अपने लिए फॉर दीपलट नो

अगर कभी अफोर्ड कर पाया या ये, ये चीज़ें हो पाई एक जो ड्रीम होता है बंदे तो ये एक दो महीने पहले जब ये प्लान हुआ तो मैंने सोचा कि ये इसमें देखता हूँ कि वहाँ पे मैं ये कर सकता हूँ तो फिर मैंने उसका सारा वो सर्च करना शुरू किया कि वहाँ पे मोटरसाइकिल कैसे ले सकता हूँ पहले मैंने अपना भी सोचा कि यहाँ से अगर मैं कनाडा बाइक भेजूँ और वापस लेके के आऊँ और वहाँ पे राइड कर लूँ तो उसका कोई नौ दस हज़ार डॉलर का खर्चा था जो कि समझ से बाहर था इतने में वहाँ बाइक ख़रीद सकते हो आप तो वो फिर मिस करवाया वहाँ से फिर मैंने बाइक रेंट की और रेंट करने के बाद केलगरी से मैंने ये ट्रिप स्टार्ट किया था अभी टू सुनदास डू यू अंडरस्टैंड हाउ लॉन्ग 1700 किलोमीटर आई मीन यहाँ से कराची कितना दूर है 1100 1100 कराची कराची से भी दूर यहाँ से, से दुबई है 1700 में आपको इस तरह बताता हूँ आई थिंक दुबई है ना इन अ स्ट्रेट स्ट्रेच दुबई नहीं नहीं यार किलोमीटर तो 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 दुबई

So he went to Canada, and that's why they gave you butt of Steel Award. <laughs> 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 <Just> appreciation. <shocked> appreciation. <laughs> <vanity>. <laughs> <laughs> <twenty> <laughs> लेटते हैं हमजा हमजा बैठता है है <laughs> है ये ये बैठ बैठ के के सोता सोता बंदा साइकिल पे किस तरह मैनेज करते थे खाना पीना सोना नींद इसमें ये इतना मुश्किल ट्रिप था है? कि अभी वापस आए हो ना तो मुझे अब अक्सर लोग पूछ रहे हैं कि नेक्स्ट कहाँ का है? है मैं बोल रहा हूँ नेक्स्ट मैं खुद अभी प्लान सोचने के भी उसमें नहीं हूँ क्योंकि एक अलग मुल्क में जाके यहाँ पे हमने ट्रिप किया ना घर से निकले बाइक निकाली हुंजा चले गए बीच में सब लोग यहाँ पे अपने सब कहीं भी रुको कुछ भी करो इस वाले ट्रिप में मैं वहाँ पे एक तरह से अननोन कंट्री है वो कुछ लोग मिल गए जो सब्सक्राइबर्स थे उनके साथ प्लान हो गया चार पाँच दिन ऐसे गुजरे लेकिन आगे कोई आठ नौ दिन में अकेला था और उसमें फिर कोई चार पाँच घंटे में सोता था और सुबह से निकलना और बीच में सारी चीज़ें मैनेज करते सोते हुए कहाँ थे कमरा लेके था नहीं, पे लग नहीं। कि एक स्ट्रेच में उसी बाइक के इर्द गिर्द खाना उसी बाइक <laughs> नहीं, 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 कैनेडा में इस तरह नहीं होती कि ताला लगाए वगैरह ये मेरे लिए भी सरप्राइजिंग था मतलब हेलमेट पे गोपरू छोड़ के कहीं भी चले जाओ वापस आओ वही पड़ा होता था हम सब ये राइडिंग शूज उसके बाइक के साथ ही पड़े रहते थे हाँ। मैं तो सरप्राइज होती हाँ। थी कि वो चोरी भी नहीं होती अच्छा यू वेंट विद हिम नहीं नहीं ये यहीं से सारा देख ली रहती होगी ना अपडेट्स आती होंगे। मुझे सब पूछ रहे थे कि आप क्यों नहीं गए आप हाउ कुड आई मतलब मैं तो इतना नहीं बैठ सकती मैं तो

हमारे पास ज्यादा अच्छा वाला साइड है, है। <laughs> लेकिन के, <laughs> यार हमारा वतन है नीस मतलब हम बहुत प्राउड फील करते हैं इस बारे में यार देखो ना वो वहाँ पास वहाँ पे राइट तो है ना <laughs> हमारे मुल्क में Booyah! <laughs> <laughs> oh, हमारे मुल्क में। <laughs> Anyways, हाँ। आ, अच्छा तो वहाँ पे जब आप जाते हो तो वहाँ पे एक्चुअली आपके जो फोन के सिग्नल भी हैं वो आपको अमेरिका के आना शुरू हो जाते हैं आपको इस तरह की नोटिफिकेशन आती हैं है वो लिटरली बॉर्डर कैनेडा में को मिलता है अमेरिका से आ रही है ये फॉल्स अमेरिका से आ रही ना हाँ, सब में सारे अमेरिका वहां से गिर रही है ना फॉल्स बट हमजा आपने कनाडा कैसे डिसाइड किया आपको लाइक like, uh, इस ट्रिप के लिए <laughs> हां क्योंकि मुझे समर में वो सबने जो कहा हुआ था कि समर में देखना तो वो समर में मैंने जाना था इसको देखने कि क्या है में ऐसा को देखने जाना था और फिर ट्रिप करना था और फिर अच्छा। सोचा कि ये वो जो वो वो जो ट्रिप करना है वो कभी जिंदगी में हुआ तो करेंगे अभी अगर एक ट्रिप आ रहा है तो इसी के अंदर ये किसी तरह करता हूं। नहीं। 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 तब तक मैं भी आयरन बट्स ले सकी थी अभी शुरू करवानी है यहाँ से हंजा

You can actually create that little buggy ride. वो मुन्ना, मुन्ना भाई नहीं <laughs> uh, जो ये कनाडा में हार्लीज आप रेंट कर सकते हो जिनके साइड पे कंफर्टेबल होकर बंद इट्स वेरी कम्फर्टल इट लाइक यू कैन लिटरलीस्ट लाइक

लेकिन बैफ उसको ज़्यादा खूबसूरत लगता है जिसने विस्लर नहीं देखा हुआ विस्लर से ऊपर कुछ नहीं है विस्लर क्या है विस्लर एक विलेज है वैंकूवर से एक घंटा पीछे अच्छा और ये मतलब कि हॉलीवुड सेलिब्रिटीज की वकेशन की जगह ये और इतना खूबसूरत है कि मैं मतलब मुझे दो दिन में वहाँ रहा और मेरा वहाँ से निकलने का दिल नहीं कर रहा था और पहली जगह ऐसी है जहाँ पे जाते ही मुझे वो जगह ऐसा लगा था कि मैं किसी मूवी के या सीजन के अंदर हूँ बाकी पूरा कनाडा एक साइड पे कर दें वो मुझे ऐसा लगा था वर्जिन रिवर देखा वो सीजन आपने बिल्कुल सेम एग्जैक्ट एग्जैक्ट सीजन मतलब उस विलेज के अंदर गाड़ी या मोटरसाइकिल अलाउड नहीं है उस विलेज की जो मेन रोड है उसके सामने व्हाट इज इट कॉल्ड विस्लर विस्लर W H I S W H I S T L E R हां सिटी बाज़ सिटी बाज़ हां ये नाम निकला भी वहीं से

और उसमें इस तरह की आपको एक पूरा विलेज फील मिलती है जिसमें लोग वॉक कर रहे हैं कोई गाड़ी मोटरसाइकिल नहीं है फिर उसके अलावा बहुत नेक्स्ट लेवल शॉपिंग है उस गांव के अंदर रेस्टोरेंट्स हैं लाइव बेकरीज हैं फिर वहाँ से एक गेंडोला चलती है जो दुनिया की लॉन्गेस्ट अनसपोर्टेड गेंडोला है और वो एक पीक से दूसरी पीक तक जाती है चेयर जिस तरह होती है

अच्छा।, अच्छा तो वो वो ऐसी जगह थी जहाँ से मैंने, मैंने महा को वीडियो कॉल करके दिखाई कि ये जगह पहली हाँ मैंने, मैंने पहली वीडियो तो कॉल की, की मैंने वहां को दिखाई ये क्या हुआ ये, ये जगह है जो मतलब ये कोई और चीज़ है और उसमें उसको कंपेयर कर सकते हैं आप हुंजा से लेकिन और तरह से कि उसकी जो माउंटेन रेंज है उसकी फील ऐसी है जैसे हमारी कराकरम रेंज है लेकिन कराकरम जो हुंजा की ये जो हमारे पास पहाड़ है ये दुनिया में शायद कहीं और ना हो मतलब मैं पूरा कनाडा का अल्बर्टा और ब्रिटिश कोलंबिया देखने के बाद कह सकता हूँ कि जो हमारे पास माउंटेन रेंज है इसका कोई किसी तरफ से भी मुकाबला नहीं है बट एक हुंजा टाउन को बैंफ के साथ या विस्लर के साथ कंपेयर करना सही नहीं होगा पूरे गिलगित बल्तिस्तान को अगर आप करें तो फिर वो बात हो सकती है कि पूरी पूरी टक्कर है लेकिन वो भी सिर्फ विस्लर के माउंटेन ऐसी जिस तरह एक पीक से दूसरी पीक पे गेंडोला आपको चौदह मिनट में ले जाती है यहाँ पे अगर एक पीक से दूसरी पीक पे जाना हो तो दो दिन चाहिए ये फर्क है क्या रुकने के लिए जिस दिन में बैफ वाली बैंक से होके आयु वो जो ऊपर जाती है वो उससे अगले दिन न्यूज बहुत वायरल हुई है लास्ट मंथ आपने देखी होगी वो लोग ऊपर गए और वो वहाँ पे लाइट चली गई और पूरा दिन लोग ऊपर फंसे रहे सर्दी में कहां पे में कहा बैफ और हेलीकॉप्टर जाके लोगों को लेके आए और उससे वेरी नेक्स्ट डे जिस दिन होके <laughs> नहीं बिकॉज पाकिस्तान के अंदर भी वो चेयर लिफ्ट वाला है यहां भी, भी, भी हुआ है लेकिन वहाँ भी तो हो चुका है बैठना ही नहीं चाहिए मुझे भी लगता है है मेरा ख्याल उड़ के चले जाओ अब हर दफा ये होता है

and i've been to skardu twice, uh, skardu twice as well uh mm have -hmm. pakistan to Pakistan. but pakistani north na, we, uh, pakistan is also known as the roof of the world yes because hamari mountain ranges if you aap median nikalo average number nikaalo, we are the highest nation in the world in terms of mountain ranges that's it uh so

Same roads जा रही हैं। तो वो चीजें वहां पे एक जैसीव <laughs> अच्छा, हाँ। yeah, नहीं करता देर आर विजेस इन कैनेडा देर नोन एज आमिश पीपल एंड देव इन टेक्नोलॉजी एट ऑल उनके यहाँ अभी भी घोड़ा गाड़ियां चल रही हैं या wow. yeah. there's Achha, no electricity okay. over there they don't believe in that like it's kind of like a faith system Achha. and it's very interesting completely their choice Achha. they don't appreciate My technology choice. they don't like anybody coming in like that but that being said you could visit them you can see kabul the hake sand got a वहां पर अभी तक टांगे चलते हैं बाली में बाली से थोड़ा सा दूर गिली आईलैंड है हम लोग अभी रिसेंटली गए थे और वैसे उस आईलैंड पे सिर्फ टांगे चलते हैं स्टिल और साइकिल मैक्म बहुत खूबसूरत जगह है लेकिन इसके अलावा वहाँ कुछ नहीं है

समर में तो फिर समर में मुझे खास था समर पसंद north. इतना है मैं कभी गई नहीं मरी नहीं गली से आगे <laughs> बड़े मसले हैं ये तो <laughs> आ, आप आ, हम पढ़ने वाले बच्चे ना मुश्किल हो हम तो पढ़ने वाले भी नहीं थे। <laughs> नहीं, हम तो पढ़ने वाले हमें वैसे हमें बिल्कुल ही नहीं लाइक अनपढ़ लेकिन हमारी पता नहीं आप के पहले नाइन टेंथ में ये मम्मा पापा के -के पढ़ा पढ़ाते पापा तो नहीं मम्मा के ये पढ़ाती होती थी के बस ये दो साल ये पढ़ लो हाँ, ये तो बहुत <laughs> हुआ है। फिर एफ में बस यही दो साल है पढ़ लो।, पढ़ लो फिर आगे कौन सा फिर पार्टी है uh, फिर वो जो उनसे चार साल स्टार्ट हुए बस यही तो सिर्फ चार साल के बाद आपकी शादी तो... करा दी <laughs> तो फ्रीडम बस... मिला ही नहीं, नहीं। भाई नहीं। तो फिर... और हर वक्त ही पेपर्स चलते रहे हाँ हाँ हा। हर वक्त मुझे तो यही याद है कि बस मैंने सिर्फ पर्चे ही दिए हैं जिंदगी में पेपर्स ही पेपर दो शुरू हो जाता था एफ एस सी टाइम से वहां से शुरू हो जाता था ना कि अच्छा बस ये बस एफ

Thanks. Enjoy Thanks. By the no way, fries is why Sundas comes to the podcast. No, yeah, yeah. Yeah, no, I'm yeah, yeah. going <laughs> <rake. laughs> <laughs> <laughs> yeah, <laughs> I swear to God. <laughs> Jeez, I can't believe you just said that. Yeah, what? a uh, question directed towards you. I want to know personally, because I know what Aisha's take on this is, but uh, I want to know what you think as wife of an influencer or YouTube slash celebrity star appreciation <laughs> award winners <laughs> uh, how do you how do you deal with with somebody who's uh, whose life revolves around traveling and in, in some cases without you obviously have to have

आई जस्ट कैन नॉट ऑब्वियसली थोड़ा बहुत आपको maintain रखना <laughs> पड़ता है अपना बट यू कि ओ एकदम से कोई आ के आप है कि ओ आप है या नहीं, आप नहीं नहीं अभी शुरू में तो चली गई थी यार में तो तैयार भी नहीं, था था नहीं दो 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 हुई थी क्या सोचा होगा उन्होंने लड़कियों को नेचुरल नहीं रहना होता मतलब ओपनली

माँ हो गया, <laughs> आप हो ही कुछ नहीं ना सकता नहीं है, ये कह, देखो दिस दिस माय जॉब यू हैव टू रियलाइज अच्छा एक हाँ. तो उन्होंने कहा है जो लड़की भी कहती है वो झूठ बोलती है कुछ तो बोल रहा तो हमारी ग्रुप की बेइज्जती करा रही है आपको नहीं मेरा मतलब ये था कहने का ये सारा कट जाने महाजो मुझे ने ने यही तो मसीह की बात है कटता ही कुछ नहीं बताती हूँ nice. मेरा मतलब ये था कहने का mm -hmm.

क्या मैं, अपने अपने थाने थाने क्या? मैं जब अपने आप को बहुत ठीक कर रही होती हूँ ना तो मुझे लग रहा होता है की मैं गलत कर रही करी क्योंकि मैं बताती हूँ क्या क्योंकि मैं हूँ ऐसी ना मैं हर वक्त आई थिंक इट्स इट्स मोर अबाउट एफर्ट इसका मतलब है आप ऐसी नहीं है आप इस घर में क्या कहेंगे मुझसे ना मैंने अभी मेकअप किया हुआ ये इस तरह नहीं है कि मैं बिल्कुल ही उस तरह होके नहीं मतलब मैं अपने अपने है मेरा नहीं, भाई, मैं नहीं तुमने क्या किया तुम कवर करो, मैं, नहीं, कवर करो मुझे वर्ड्स मिलते खा तो मुझसे ना वो वाली एफर्ट नहीं होती मतलब मेरे पास चीजें सारी हैं लेकिन मैं No, no fair te enough. Te I think yeah. most importantly, you are not used to this life. And true. And this is gonna be like, um, how long have you guys been married for now? Six months. Six months. Six months. Six months. Uh, and you guys knew each other before, yeah, yeah. We mm -hmm. are cousins. Lovely. Okay. So the way this is gonna be, obviously, this is gonna be a little difficult in the beginning, but over time, I guess you get used to it. You get used to it. The Aisha, Aisha. Used to say the same exact things, but now she's so used to it because sh obviously she became an influencer herself. She started her Instagram journey and all of that, and now she's pretty famous as well. But in the beginning, she also had a lot of issues because uh, this thore... is not natural to you. You didn't sign up for this. It's something that is not your forte. I used to feel like okay, too <laughs> much hey, attention. Because you know, that the guy at the beginning was a little bit uncomfortable. You know, whether you are ready or not, you become like this. ओ अब जैसे मेरे साथ शुरू शुरू में ये होता था कि ओ आप शापीशा शाफी कज़न है और मैं एक सेकंड के लिए इस तरह हो जाती थी, थी कि जी कुछ

कैजुअल नहीं है कि yeah. हर वक्त वीडियो हैव यू हैड एनी बैड एक्सपीरियंसेस विद द फैंस एज ऑफ राइट नाउ नहीं नन कहोगे भी नहीं अगर कुछ होगा भी तो कह नहीं नहीं अच्छा बाय द वे जस्ट वांट टू नो दिस एंड दिस इज लाइक आई जस्ट वांट टू कंपेयर माय सिचुएशन टू हमजा लाइक आई जस्ट वांट टू नो के डिड यू गेट एनी बदमाइश इन योर डीएमस नहीं अल्लाह का शुक्र है ऐसा नहीं, नहीं हुआ नहीं के साथ शुरू शुरू में यार बहुत इस तरह मैंने देखा है अक्सर आजकल आजकल कुछ ज्यादा और कोई पोस्ट आती है मेरे सामने मैं उसके कमेंट्स देखता हूं, तो लोगों ने सच में बदवाई दी होती है किसी को और मैं हैरान होता हूँ यार कि अभी एक रिसेंटली एक पोस्ट थी बहुत ज्यादा इन पोस्ट थी पिछले दिनों में और उसके नीचे किसी ने कॉमेंट किया हुआ था बैडली वेटिंग फॉर योर डाउनफॉल So, और ये बंदा कैसे लिख सकता है किसी के लिए यार जब मुझे हमजा ने बताया और उसके पांच दस मिनट तो मैं सोच ही रही थी कि लोग कि कोई किसी के लिए ऐसा कैसे लिख सकता है कैसे कह देते हैं और इतना ओपनली इतना आसानी से अच्छा पीपल डोंट अ लॉट ऑफ पीपल डोंट रियलाइज दिस दैट डूड दिस इज एक्चुअली नॉट इजी एंड इट्स इट्स एन इमोशनल रोलर कोस्टर बीइंग एन इन्फ्लुएंसर यू नो इन नो वे एम आई सेइंग दैट आई देयर इज An inch of me that would go back to the previous life that I had. I love being famous. I love the money that comes with it. I love the fame that comes with it. Mm -hmm. That being said, people actually don't realize how much you could hurt somebody by just a comment. Mm -hmm. Look, I'm trained. Mm. I'm so used to the hate that I almost mm. am an immune to it, personally. And a lot of times she gets hate, a lot of times she gets love, but it happens so often that now I'm getting I'm immune to that as well. With Aisha, however, it's unfair that I put her in this situation because now she's she kind of married somebody famous, and you know, it's उसके लिए उसकी दिमागी डेवलपमेंट या उसकी मेंटल हेल्थ के लिए वाज़ 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 सो दैट ऑल ऑल शी लव hmm. शी लव इनिशियली बट हेट हेट लाइक ड्रॉप डाउन नंगी व्हिच नॉट नॉट गालियां क्या अल्लाह करे तुम लोग इतना डर लगता है नजर से स्पेशली मुझे तो बहुत सबसे बड़ी बात क्यों ही चाहोगे कि किसी के साथ बुरा हो जाए जबकि आप ना उस बंदे ने आपके साथ बुरा किया है ना आपका उसके साथ कोई डायरेक्ट कॉन्टेक्ट है आ. जो 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 लोग एक्चुअली हेट करते हैं उनका ये होता है ना कि इसने मेरे साथ ये किया या इसने मेरे साथ ये किया या इसने मेरे अम्मी अबू के साथ ये किया आपको नफरत नेचुरली होती है आ. आप रेंडमली किसी किसी को जानते भी नहीं हो और आप बस क्योंकि वो दोनों खुश हैं और आपको उनकी लाइफ बहुत परफेक्ट नजर हाँ। आ रही है तो उनके पास करने कोई नहीं होती नहीं तो तो नहीं है तो फिर बदवाए और गालियां भी कोई पॉजिटिव चीज तो नहीं है मसला मुझे ये लगता है कि रीसेंट टाइम्स के अंदर ना सोशल मीडिया की एक्सेस हर बंदे तक पहुंच चुकी है ठीक है मतलब हर तरह से सबके पास है तो वो कुछ लोग जो मतलब यहाँ पे एजुकेटेड लोग भी हैं और नई भी हैं तो वो जो नहीं है वो उनको नहीं पता होता क्या कि बात किसको करनी है और कैसे करनी है तो वो तो खुल के फिर आ रहे होते हैं तो ये ज़्यादा like, वहाँ से आता है मुझे आई हैव टू डीप डाउन साइकोलॉजी ऑफ दिस पीपल फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास अगर आपके हालात इतने ख़राब हैं you're not going to have a good upbringing. and that is 99% exactly. of pakistan, so, quite literally, There is koi ghar financially struggling nahi except man. maybe 0.01% of people. you hmm. financially struggle hmm. struggling everybody is struggling financially. right. money brings a lot of freaking issues, man. Hmm. and, you know, people don't understand that and people undermine that. but money is cause of a lot of sorrow and disappointment. And. बिकॉज ऑफ विच आपकी फैमिली के अंदर प्रॉब्लम आती हैं और आपका ओवरऑल हर वक्त मूड खराब रहता है अगर पैसे ही नहीं है इलेक्ट्रिसिटी बिल देने के ही और घर में एसी ऑफ है और बिजली भी गई हुई है पंखा भी नहीं चल रहा तो आप यूट्यूब पे जाके अच्छी अच्छी बातें नहीं, नहीं करोगे क्योंकि कर आपका दिल मुझे लगता है गुस्सा चढ़ा mm. इन सब चीजों की वजह से जब आप इतने सर, इस तरह के गुजर रहे होते हो ना तो किसी और को खुश देखते हो ना तो नॉट तो exactly. uh, so, इस वजह से मे बी mm. वो इसके पास इस लड़की के मतलब लिटरली लोग ही कह रहे होते इसके क्या था जो इसको ये मिल गया हा, हा, hmm. गत, Got into social media because of marrying or because of somebody else. I go like, ha tum, why, why her? Oh, yeah, mm. why him? Why did this person get so you know, x, y, z amount of mm. you know, and people get so jealous, but I think it's yeah society this is what it comes down yes. to. And the only reason I'm saying that is that like I wanted to know if you're facing anything like that because you have to be ready for stuff like that because. Some like point. it or not Allah kare Allah kare. But because i remember when sundas had this she broke down dude she broke down she was like uh, dude i i can't do this and yeah. and we were probably it was our seventh or eighth podcast, podcast and hai. she got so much hate in that podcast and so did i actually we brought in this uh, one friend of ours uh shamil zahid mm -hmm, mm -hmm. it was a shamil zahid TikTok podcast and um वी ऑल्सो फेल लाइक वी हमने उसकी थोड़ी सी क्लास ले ली थी एक दो बातों पर ना तो हम भी उस वक्त सही नहीं थे एंड जाहिर सी बात है हम दोनों ने क्लास ली थी तो हम दोनों को गालियाँ अच्छी खासी हैवी ऊपर वाली नीचे वाली हर तरफ से हमें गालियाँ पड़ी hmm. उसके बाद आई रियलाइज शी ब्रोक डाउन आई वॉज ओके आई गॉर्न एन आई वॉज पार्टनर रिलेक्सर इट्स पार्ट ऑफ दिस पार्ट ऑफ द गेम जस्ट टेक इट ईजी इट्स फाइन पीपल आर मैड फट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली विल इशू इन अ पोलजी So we literally went. Uh, that very day she came, she was panicking, she was crying, and we issued an apology and we said, you know, our mistake, we recognize it, you guys are angry, we promise not to do this again. <laughs> and we did that. And <laughs> that ये उस टाइम पे लगा और मेरी वो सारी रात इतनी बुरी गुजरी कि यार लोग गालियां दे रहे हैं लोग इतना इतना बुरा आपको कह रहे हैं कि तुम लोग हो ही ऐसे तुम लोग तो बदतमीज़ हो सुन दोस्तों सबसे ज़्यादा बदतमीज़ है सुन दोस्तों बोलने नहीं दे रही और मैं हूँ कि यार चलो ठीक है गलती हो गई हम अपोलोजाइज भी कर लेंगे जाहिर आप एक्सेप्ट करते हो गलती ये भी नहीं है कि हमने गलती नहीं की और हम लोग ऊपर से आ रहे हैं कि अच्छा नहीं लेकिन मेरी वो जो सारी रात थी उसमें मुझे इसकी एक घंटे की पूरी कॉल आई देखो ये होता है वो होता है और ये बिल्कुल कॉन्फिडेंट था मैं थी कि नहीं पार्टनर ये तो बड़ा बैड सीन हो गया ये हो गया वो हो गया और इससे मुझे कोई एक घंटा काउंसल ही करता रहा है कि देखो ये होता है वो होता है मेरे साथ एक दफ़ा ये हुआ था उसके बाद ये हुआ ये ये और वो मेरी रात इतनी मुश्किल गुजरी थी कि मुझे याद है मैं अगले दिन सुबह जॉब से सीधा इसके घर आई हूँ कि पार्टनर अभी कुछ करना है हमने इनके लिए क्योंकि हमने बहुत बड़ा ब्लंडर एक मार दिया और एक्चुअली वो ब्लंडर था हमने एक्सेप्ट किया

या true. लोगों को है। होता है कि बहुत ज्यादा जिन लोगों को नहीं मिल रही होती है टेंशन फिर वो आपको करेंगे और जैसे आप उनको रिप्लाई कर दोगे तो वो सीधे हो जाएंगे कि जी भाई क्या बात हो गई मैंने आपको ऐसी। क्या कहा हो तो सॉरी आप ही हमारा ये मतलब नहीं था मैं ये नहीं हूँ जैसे मुझे शुरू शुरू में ग्रे बालों पर बहुत ज्यादा हेट मिलती थी कि बुढ़ी आंटी ये अगर मैंने किसी को एक रिप्लाई कर दिया कि हाँ जी है वाइट ही है बाल तो अब

आप थोड़ा सा ना एक पार्ट प्ले करते हो कि यार अच्छा दस लोग अगर बदतमीजी कर रहे हैं तो आप उनसे कहोगे कि क्या आप शायद इससे कुछ अचीव ना करो बट ये अपनी तसल्ली के satisfaction लिए सेटिस्फेक्शन होती, होती है कि यार अच्छा हाँ एक बंदा लेन तोड़ा था मैंने उसको हॉर्न दिया मैंने उसको लाइट्स मारी कि अच्छा अपनी लेन में रहो तो वो लेन में शायद हो भी क्या थोड़ी देर के लिए बेशक उसके बाद शायद वो ही लेन तोड़ ले hmm. लेकिन आपको तसली होती है 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 कि कि यार मैंने अपना पार्ट प्ले किया अगले को hmm. थोड़ा सा सीधा करने में अब वो ही बात कोई कोई समझता समझता नहीं नहीं आई <laughs> एक तो मुझे ये समझ नहीं आती भाई हेड क्या अचीव कर लोगे तुम ऊंची हेडलाइट करके यानी कि क्या हो जाएगा तो मैं तो अक्सर कह रहा तो था कि ये रुक के ना इनकी इनकी ये लाइटें तोड़नी चाहिए <laughs> मैं कभी-कभी कहता था पता है मैंने ना क्रिएटिव थिंकिंग शुरू कर दी थी मैंने सोचा कि एआई एक एआई सिस्टम हो किसी किस्म का जो कि आपकी गाड़ी के अंदर कैमरा लगाओ एआई वाला

लोग लगा सकते हैं मुझे हाँ। इतना दुख आया एक ना सामने से जब गाड़ी हाई बीम पे आ रही होती है तो आप उसको एक हाई बीम थोड़ी सी डिपर टाइप मारते हो कि भाई आपकी लाइट्स ऑन है तो फिर वो फॉरन बंद कर लेते हैं ना तो मेरे सामने से एक गाड़ी आ रही तो मैंने उसको हाई बीम की मैंने कहा भाई आप गाड़ी अपनी लाइक हाई बीम ठीक कर लें। उसे नहीं की, नहीं की नहीं की नहीं की फिर मैंने भी अपनी हाई बीम ऑन कर दी तो जब वो मेरे साइड से गुजरी ना गाड़ी तो वो अंकल थे वो ऐसे करके जा रहे थे अंकल को पता ही नहीं होगा कि खाया मेरी हाई बीम की वजह से वो तंग हो होने फिर मैंने दिल को तसली थी कि अंकल आप ग्लासेस वगैरह लगा लेते मतलब कि अगर आपको रात को ना ट्रेवल ना ड्राइव करें लेकिन मैंने अपने आप आपको तसली तो दी लेकिन मैंने ये सोचा कि यार मैंने गलत भी किया कि अंकल बेचारे बुढ़े और उनकी आंखों में हाई भी मारियू मारिय मारियू उनको नजर भी नहीं आ रही होगी सड़क हुँ. क्या नहीं, मतलब नहीं इसमें तुमने कुछ गलत नहीं किया नहीं मैं मैं करती हूँ <laughs> हाँ, ये मुझे खतरे की घड़ी महसूस हो रही है लेकिन जब वो गाड़ी गुजर रही होती है देख लेती हूँ मतलब पंगा ले सकती भी हूँ की नहीं

जितनी तो मुझे जितनी फ्रस्टेशन है में जिस तरह की आवाम है जैसे हम सब हैं किसी के पास भी पिस्टल हो सकता है कोई भी किसी भी टाइप का हो सकता है आपको नहीं पता कि वो किस तरह का बंदा है पहले मुझे लगता था कि सिर्फ आदमियों से पंगा नहीं लेना चाहिए लेकिन वो वीडियो वायरल हुई थी ना लास्ट ईयर वो जिसमें आंटी नहीं निकल, निकल के, के मारा मार था फिर मैंने कहा तो और क्या हो सकता है मतलब पता नहीं कि उनके पीछे कोई गार्ड्स की गाड़ी हो तो फिर उतर के आपको चिपेड़े कर आ रहे हैं ये तो बात <आर क्या> सही है चपेड़ों <laughs> से तो बड़ा डर लग रहा है <laughs> तो आज, तो आज,

यार मुझे ऐसा फील होता I, है हमेशा yeah. कि <coughs> क्या वो है no, मुझे ऐसा फील होता है कि हमारी आवाम जो है ना वो हर टाइम के साथ जीना सीख लेती है तो इसको वो जिस तरह इम्यून सिस्टम बन चुका है ना आपका 10 साल में आ, यहां पे भी इम्यून सिस्टम बन चुका है कि जैसी भी सिचुएशन होगी सब वैसे ही चल रहा है यार बाहर hmm. हम सारे रोते हैं कि पेट्रोल इतना हो गया फलाना हो गया किसी ने अभी तक कोई उस पे कोई एक्शन लिया है किसी तरह का कोई सीन ही नहीं है सब जी रहे हैं ठीक है जी पेट्रोल अगर चार सौ का हो गया चार सौ का डलवा लो बस बोलते रहो साथ साथ ठीक है कोई चीज़ जितनी भी महंगी हो रही है कुछ भी हो रहा है यहाँ चीज़ें नॉर्मल लग रही हैं बा, बाहर दुनिया में बैठ के लोगों को लग रहा है कि आप पाकिस्तान के अंदर सड़क पर वॉक नहीं कर सकते बाहर कुछ है ऐसा सब नॉर्मल है हम तो ये लो... हर तरह के टाइम के साथ वैसे ही जी रहे हैं और ऐसी मुझे लगता है कि ये अल्लाई अल्लाह करे कि कुछ ऐसा हो लेकिन मुझे नहीं नजर आता दूर दूर. हमें literally लोग बाली में इससे पूछते होते थे न, तो थे थे तो होते थे 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 ना आप से? तो तो हम पाकिस्तान इतना हैरान कि हमें वो अंदर हाँ, <laughs> <laughs> बाहर, बाहर और <laughs> तरह मुझे अभी जब ये रिसेंट हम लोग उम्र करने गए हुए थे और वहाँ पे जिस तरह की वीडियोज़ हमें नज़र आ रही थी हम सोच रहे थे कि, कि घर कैसे जाना है वापस एयरपोर्ट से उससे अगले दिन फ्लाइट थी और वापस आए तो सब नॉर्मल घर इजीली पहुँच के मैं लाहौर में, में दोबारा निकला वो जो माल रोड की इधर उधर की जो वीडियोज़ आई थी वो पूरी दुनिया में फिर रही थी और सबको लग रहा था कि पाकिस्तान इस टाइम पूरा ये बना हुआ है तो वो एक अलग सिचुएशन है लेकिन हाँ आगे क्या बनेगा आगे अल्लाह ही है Do you wanna, do you wanna, do you see as any other country as a backup option? Yeah. Backup option? You're here. Yaar, philal to idari. Aage... You travel a lot naturally anyways, हाँ. so you get to go out हाँ. a lot. Abhi philal koi plan nahi hai. Agar kahin reah sakte toh kahan pe jaate Canada.

थैंक यू अच्छा या नो आई आई बिलीव दैट कैनडाजो कैसे अच्छा <laughs> 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 oh, अच्छा कहा, कहा, ये बुरे दोनों और जलमी वे तूने कहाँ का खाना खाया मुझे ये बताओ कोई चौदह पंद्रह मुल्कों में गया गेहूँ सबका खाया हुआ है बहुत अला बेस्ट कौन सा है बेस्ट फूड अगर देखा जाए तो नंबर वन पाकिस्तान नंबर टू तुर्की और आई फ्रिकिंग कर नॉट अग्री मोर हाँ इसके अंदर कबाब बीट्स ब्रो मेरे कजन मोमो और सात भाई जब गए थे टर्की वो कहते सात अपनी केचप की लेकर जाना इतना ब्लैंड खाना है मैं मतलब मीट में उनसे बड़ा किंग शायद कोई ना हो लेकिन ईरान की मैंने इतनी तारीफ सुनी है खाने की कि ईरान से बड़ा मीट किंग कोई नहीं है तो अभी वो ट्रिप प्लान कर रहा हूँ मैं देखता हूँ कि वहाँ पे क्या है वो सिर्फ वो रहता है उसके बाद सही फैसला हो पाएगा कि टर्की पाकिस्तान ईरान किस नंबर पे कौन आता है सबसे एंड में सबसे एंड में मतलब बस लगाओ कि मतलब ठीक है सिंगापुर जेब

मतलब हमने ट्रांसलेटर के थ्रू उनको बताया कि ये मेन्यू जो उनका लगा हुआ है इसमें से हमें ये चाहिए और वो क्या नेक्स्ट लेवल खाना क्या खाया क्या वहाँ पे आ, बीफ आ, थाई बेसल और इस तरह की जितनी भी उनकी बीफ और चिकन की डिशेस थी नाइस, वो नाइस, सारी ट्राई की थी और नेक्स्ट nice. लेवल अच्छा वहाँ पे तो ये भी बहुत है ना कीड़े मकोड़े उनके आप लोकल मार्केट्स में चले जाओ वहाँ पे आपको बीटल्स

लेकिन हम नहीं नहीं सकते क्योंकि यार स्ट्रेंज ऑफ़ पीपल आर एक बंदर जो था वो टेबल के बीच में उसका सर बाहर था उसके जिसम नीचे था हुँ. और टेबल के लोग बैठे हुए थे और वो उसके दिमाग के ऊपर चमचिया मार रहे थे To the point where he eventually died from the beating. Oh, 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 oh. And then they cut open his brain. No, and then they ate his brain. Oh, oh. And the reason why they did that, I I believe, the reason why they why they did what they did by beating the monkey's head was because his brain, because of I guess friction or too much hitting. I don't know why I saw this video or who sent it to me, but like I was so um

क्या? यार ये ये यार मैं एक्चुअली देखो यार मैं सोच समझने की कोशिश कर रहा हूँ किसी चीज़ प्रिंसिपल देख रहा हूँ क्या आप एली गेटर का पूछ रहे हो मुझे कल Instagram पे मैसेज आया कि चीज केक <laughs> इज नॉट हलाल इन इस्लाम yes. क्यों और क्यों और मैंने वो स्टोरी लगाई और कोई हजार बंदा मुझे पूछ रहा है कि ये किसने किया है और बीच में पंद्रह लोग ऐसे भी आए कि ये सही कह रहा है तुम अपना चेक करो जा हाँ। लेकिन तो तब चेक करो। हराम तब हो सकता है आपके लिए जब उसमें जेलेटिन बाहर के किसी मुल्क में पाकिस्तान में कहा से जेलेटन हराम मिलता है <laughs> तो वो कहता है तुम ये चीज के कारण डला भी ना हो पे बहुत फतवा लगता है कि मतलब अगर दुनिया घूम रहा हूँ वो कहते हैं तुम पूछते हो कि अगर पूछू तो फिर कुछ ऐसे आते हैं कि जो कहते हैं

सुअर खा जाओगे नहीं मुझे लगता है पत्ते मर जाओगे मर जाओगे सुअर नहीं खाओगे पत्ते शत्ते खा लेगा बंदा कुछ भी खाएगा नहीं, नहीं वहाँ पे यही ever, है नेवर एवर मर जाऊंगे सही बात है नहीं खाओगे ज्यादा बेहतर नहीं आ, कुछ आ, और चीज़, कोई चीज कोई परिंदा कुछ कच्चा खा लूंगा कुछ भी इस तरह के

डिक हमारी बातों पर मत जाना अगर कुछ हो खुद रिसर्च कर लेना हमारी नहीं नहीं बातों नहीं पे मत जाना हम लोग दोस्त कुछ बैठ के बातें कर रहे हैं अच्छा नहीं नहीं एक्चुअली द रीजन व्हाई आई आई आस्क्ड इज बिकॉज़ लुक्ड इनटू इट एंड मैंने भी यही देखा सुना था या पढ़ा था कि जो गधा है वो मकरू है और उसकी रीजनिंग भी ये थी बैक इन द डेज घोड़े और गधे दे वर वर्क एनिमल्स ये इस्तेमाल होते थे जंगलों के अंदर ट्रांसपोर्टेशन के अंदर तो इनको पसंद नहीं किया जाता था कि आप गधों को खा लो हालांकि कैमल्स भी ट्रांसपोर्टेशन में यूज होते थे लेकिन कैमल्स जंगों में इस्तेमाल नहीं होते थे तो वो अलाउड थे राइट uh -huh. right? तो उस हिसाब से उस लॉजिक से घोड़े क्योंकि आज ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल नहीं होते गधे ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल नहीं होते हैं मीट इज एक्चुअली वेरी क्लोज टू द मीट ऑफ गोट काइंड ऑफ लाइक द टेस्ट लाइक दैट आई सपोज

मतलब <laughs> <not fun> <laughs> तो तो हाँ ये है, फैक्ट, फैक्ट। फैक्ट। हाँ, क्या फैक्ट था नहीं यार कुछ तो नहीं खा सकते नहीं नहीं करके गुल्ली कर लेते हैं कर हमें सुना है पता आप लोग खुद ही कर अच्छा तो ऊंट का गोश्त खाने से वजू टूट ही जाता है

<laughs> yeah, maha mujhe <laughs> <laughs> no, no, I don't do this. <laughs> no, but it's a, it's a restaurant. Like their presentation is phenomenal. Their meat service, like their meat portion is huge as you know, Turkey can hmm. that they put more meat, little bit of bread, yeah. lots of salad. It's yeah. like.

ये ये तो ये तो आपको ट्राई करना ही हाँ. करना है ये तो इसके आपको लिए ट्रिप ट्रिप बनता है अभी <laughs> 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 अभी ना अभी मैं कंगाल हो क्या लगा रहे हो या इसमें काम में आ, काम भी है ये, और ये का जो ट्रिप भी है था ये इसमें मतलब आप सोचेंगे काफी जेब से ही लगाया हो रियली really? हाँ क्योंकि इतना Canada इतनी यहाँ पे नहीं होती यूट्यूब से जितना कैनेडा महंगा है <laughs> तो ये बहुत बहुत एक्सपेंसिव ट्रिप था तो इसी वजह से मैं खुद भी दोबारा ऐसी ट्रिप का नहीं सोच रहा बट ये एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था हाउनी डेज गो फॉर फिफ्टीन डेज एंड हाउ मच जर कॉस्टियो यार गाड़ी शाड़ी ले लेते ले हैं आप रियली द मच एक तो यार हमारा डॉलर रुपया भी बहुत What? वीक हो गया जिसकी वजह से थोड़ा सा हर चीज़ ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाती है तो वो इस वजह से ये थॉट मोर अबाउट महा एंड लेस अबाउट ये फुलियों इसकी बात तो भी नहीं आना <laughs>

I want to bring the conversation to YouTube a bit. Uh, what do you see as the future of YouTube? I know you're one of those influencers. I was just speaking about uh, with everybody before you came. That you know, Rhs is a very different YouTuber. His take on YouTube is very different. For example, with me, I'm a lifestyle vlogger, so everything goes on one channel, one yeah. everything, right? You have actually segmented YouTube and you look at it in a very different way. You actually work on different series at a time. Mm -hmm. You go record one series, mm -hmm. then you take some time off, then you record the other series, mm -hmm. you take some time off, then you record I love that model. Thank I you. I wanna hear more about what your, where your brain is at with YouTube and what future do you see? Yeah, me hi channel. But food tours <laughs> have और वो फिर चैनल चलता गया और मुझे एक पॉइंट ऐसा आया था कि मैं इतना फूड एक्सप्लोर कर रहा था कि अगर मैं किसी मुल्क के किसी शहर गया हुआ तो मैं मुझे वहाँ खाने के अलावा टाइम ही नहीं मिलता था कि मैं इस शहर को भी देख पाऊँ कि इसमें और मतलब मैं देख रहा होता था लेकिन अगर मैं उसको रिकॉर्ड करता तो वो तीन तीन घंटे की वीडियोज़ बन जाती तो फिर मैंने सोचा कि ट्रेवल भी साथ साथ होना चाहिए कि उसमें भी कोई इन्फॉमेशन होनी चाहिए कि ये शहर ऐसा है इसमें ये चीज़ ऐसे होती है ये होता है अब वो जब मैं मेन चैनल पे वो चीज़ थोड़ी बहुत कर रहा था तो उसमें ऑडियंस को वो चीज़ एकदम से हजम करना इतना आसान नहीं था उनके लिए कि एक फूड ब्लॉगर हमें ट्रैवल क्यों दिखा रहा है क्योंकि एक नीच बन जाती है आपकी और मेरा ख्याल नीच नहीं बनानी चाहिए आपको एक ही तो फिर मैंने एक अलग चैनल बनाया कि इस पर अब ट्रैवल होगा तो वो सेकेंड चैनल था और उस पर मैंने इस तरह की चीज़ें शुरू की जिसमें मैं मतलब मैं ख़ुद चाहता था कि मैं अगर फूड टूर कर रहा हूँ तो उसके अलावा भी मैं कुछ कंटेंट बनाऊँ हाँ। मैं सिर्फ वो एक लिमिट होकर ना रह जाऊँ कि यार मैं यही चीज़ कर सकता हूँ सिर्फ तो सेकंड चैनल का मकसद ये था तो फिर मैं जब सेकंड चैनल के बाद पहला मेरा ट्रिप था इजिप्ट का तो इजिप्ट में सिर्फ कायरो के अंदर नौ दिन रहा था जिसमें से चार दिन मैंने फूड टूर किया था और पाँच दिन मैंने कायरो एक्सप्लोर करके दिखाया था तो सिर्फ नौ दिन में खुद उससे बोर हुआ था लेकिन इसका एक साइड जो यूट्यूब ने खुद मुझे मतलब यहाँ पे जो पाकिस्तान में हमारे यूट्यूब के ऑफिशियल है उन्होंने कहा था कि अगर तुमने ये इतना डिवाइड ना किया होता तो शायद अभी तक तुम टू या थ्री मिलियन क्रॉस कर जाते वो एक फैक्टर था कि अगर एक ही चैनल पे चीजें आ रही होती तो फिर सब्सक्राइबर एक ही चैनल पे ज़्यादा आ रहा होता सारी ऑडियंस एक ही बट फिर वो चीज़ अब बिल्ड हो चुकी है अब चल रहा है सब एक अलग फूड चल रहा है इस पे ट्रैवल और लाइफ चीज़ें चल रही हैं तो वो सही है और सीरीज़ का एक मकसद ये होता है कि सीरीज़ मतलब एक अगर दस दिन का ट्रिप है उसमें मैं तीन वीडियोस में भी थोड़ा बहुत दिखा सकता हूँ कि यहाँ गया यहाँ गया नेक्स्ट डे नेक्स्ट डे नेक्स्ट डे बट उसमें जो देखने वाला है वो तो फिर फिल्म और ड्रामे देख ही रहा है ऑलरेडी आप उसे फिल्म बना के दिखा रहे हो अगर इतनी ज़्यादा एक ही वीडियो में आपने दिखा दिया उसमें कोई डिटेल नहीं आई कि ये बंदा इस जगह पहुंचा कैसे इस जगह पे इसकी मतलब ये ये चीज़ खरीदी है तो ये खाने खाने पे कितने पैसे लगे तो फिर वो पर डे वाली जो सीरीज़ होती है उसमें मुझे बड़ा मज़ा आता है क्योंकि आप पंद्रह बीस मिनट में पूरी डिटेल दे देते हो कि यहाँ पे ये वो ऐसे हुआ, ऐसे हुआ। पूरे दिन की। तो वो इस तरह से ये फिर सेगमेंट चलते हैं डी यू गेट तो बहुत स्टार्ट है मे बी मैं अपने आप को समझा लेती हूँ शायद इसलिए लेकिन यार बैलेंस भी तो मैं अब एक ट्रिप <laughs> करके आया हूँ तो मैं अब दस दिन घर में भी तो बैठा हूँ यार वही <laughs> बात है कि ही ट्राइज टू मैनेज एवरी मतलब फ्लो में रखते हैं जब कि अगर पंद्रह सोलह दिन घर नहीं थे तो ही इज मैनेजिंग अप और अभी And ये मुझे कहते हैं कि मैं समझता हूँ कि तुम्हारी शादी हो चुकी है लेकिन काम को लेके सीरियस हो जाओ अभी ये मुझे इस तरह कहते हैं लेकिन ये कि एक महीना पहले कहा कि शादी के बाद में तीन चार कंटेंट बना लिया तो बना लिया वरना मैं पिछले पांच साल से मुझे नहीं याद कि मैंने कुछ छुट्टियां ली हूँ मैं खुद वो चाह रहा था कि यार अब 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 थोड़ा सा टाइम है कि मुझे थोड़ा सा स्लो बना है खैर है अगर दो तीन महीने पैसे कम आएंगे या कॉन्टेंट कम बनेगा कुछ नहीं होता

तो, तो आके बातें बूते करके चली जाती हो पीछे से तो हमें मैनेज करना पड़ता है है <laughs> मुश्किल <laughs> बस ही YouTube, uh, like, is this, is this या फिर डू यू सी के यार मैं ये एक के बाद छोड़ दूंगा और कुछ और करूंगा यार अपनी दुकान खोल लूंगा अगर पीछे पूरी हिस्ट्री देखे ना पूरी दुनिया की तो एक टाइम होता है सबका और वो किसी का दस साल है तो किसी का पंद्रह है किसी का दो साल है किसी का चार साल है लेकिन है क्योंकि वक्त के साथ जनरेशन जो छोटी है वो बड़ी हो रही होती है तो उनको अपनी तरह के लोग पसंद आने शुरू हो जाते हैं और वो फिर आप उनके लिए आउटडेटेड होने शुरू हो जाते हो तो

तो सबसे बेहतर सब है सबके लिए कि भाई होस्ट है, प्लान क्या वो है? ने आप इधर थोड़ी देखिएगा <laughs> 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 With, i think with youtube it's very important to also have some sort of a business yeah, on bilkul, the side that you monetize with youtube itself you yeah. cannot just depend on say, you know, don't put all your eggs in one basket hmm. goes without saying si. you must have a business so abikarantomix uh, uh, steel implant company kolo बट एम प्लांट सॉरी हाँ बट एम प्लांट स्टील कंपनी खोलो स्टील आयरन बट्स आयरन बट आयरन बट्स आयरन बट्स नहीं नहीं आयरन बट सप्लायर अच्छा महा लास्ट क्वेश्चन टू यू व्हाट्सअप नहीं नहीं, 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 नहीं मुझे लगता है तुम ये सवाल पूछोगी तुम ये सवाल पूछोगी और मैं नहीं पूछोग इधर नहीं लिखा हुआ जाए कुछ चीजें ना खुद से भी सोचनी होती है

कर, सी तो कर लिया मैंने कर, स्टार्ट किया अच्छा Six months का मेरा भी। हाँ मेरा भी तो अभी उसकी टू हो गई है मतलब यहाँ पर लाहौर में बट पता के है, के है एक है। सीक्रेट बताऊँ की एफ सी पी एस न करना हाँ हाँ करके मुझे पता है खुद करना भी नहीं चाह रही थी मैंने जाकर स्ट्रेट फॉरवर्डली बताया था की आई डोंट वो डू इट बट अगर आप कहते हैं तो सोच लूंगी मैं इतनी सीनियर नहीं हूँ लेकिन मैं फिर भी आपको यही कहूंगी की एफ सी पी एस ना कर

गुड क्वेश्चन एफ सी पी एस टेंस फॉर गुड क्वेश्चन क्या है कैसी बनती है यहाँ पे तो ये दोनों डेंटिस्ट हैं। मैंने तो इंटरेस्ट ही नहीं शो किया मैंने तो भी मैंने, 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 कभी भी नहीं सोचा था कि मैं अपनी जिंदगी के आठ नौ दस साल इस पे वक्फ करके कुछ मैं मुझे नहीं लगता मैं कर सकती हूँ डू यू लाइक डेंटिस्ट्री आई लव इट NBBS में हो गया था वो छोड़ा आइडेंटिटी मतलब यू नो सुंदर्स इज अ डेंटिस्ट टू आई वाज लाइक जब इसकी जब ये बिल्कुल नई-नई बनी थी और ये ना आ, फेमस भी होना शुरू हो गई थी हमारी ये पॉडकास्ट वगैरह शुरू हो गई भी थी तो ये अपनी अक्सर स्टोरीज के ऊपर ना लोगों के दांत लगा देती थी hmm. और वो नहीं बिफोर आफ्टर बिफोर आफ्टर वाले और बिफोर वाले तो बिफोर वाले हाँ, समझ I रहे हो ना बिल्कुल हाँ, तो हाँ, और वही नहीं अक्सर दांतों की बीमारियों की तस्वीरें और जनरल नॉलेज की चीजें और लोगों के दा यूं करके और <laughs> वो अंदर से कुछ है कुछ नहीं है टूटा हुआ खून निकल रहा है मैं तो पार्टनर तू तो क्या कर रही है तू तो हाँ। लोगों को किस तरह की चीजें बता रही है नहीं जानना किसी को जिसके हैं भी वो खुद देख के डर जाए देखो अगर मेरे दांत में प्रॉब्लम होगी ना मुझे फील हो रहा है नजर नहीं आ रहा है। <laughs> समझ तो कुछ अपनी तरफ से करके और आती थी ना, आकर दिखाती होती थी तो मुझे भी सब यही है मैं हमने नहीं देखना किसी का मुंहट के मुझे तो याद है उन्होंने मुझे कहा आप क्या करती है मैंने कहा बाबा क्या थी फ्रेंड थे उन्होंने कहा अच्छा ये मेरी बेटी डेंटिस्ट है तो उन्होंने कहा क्यों डेंटिस्ट है थैंक यू <laughs> बेटा व्हाई डेंटिस्ट्री मैंने कहा अंकल क्योंकि शुरू शुरू में मेरा इंटरेस्ट नहीं था बाबा का था और मैंने फिर जब कर ली तो मुझे लाइक अब मेरा प्रॉपर पैशन बन गया कि अच्छा हाँ डेंटिस्ट्री कहीं नहीं जाती ये साइड बाय साइड सारी चीज़ें चलती रहेंगी बट डेंटिस्ट्री का मेरा जो है अगर मैं उस पर पूरा दिन लगा के थकूंगी तो मैं मैं कुछ हाँ मैं मैं सुकून से सोती हूँ उस रात जिस दिन मैं बहुत थक के आती हूँ क्लिनिक से और मेरी जितनी एफर्ट उस पर लगती नहीं बेटा लेकिन

<laughs> 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 मुझे याद है एक पेशेंट मेरे पास आया था और वो पान खाता हुआ आया था अक्सर ब्रश करके जाते हो और बहुत सारे पेशेंट्स इस तरह होते, हाँ, होते हैं कि सॉरी डॉक्टर साहब मैं फ्रेंड्स के साथ था मैं लंच पे गया हुआ था तो मुझे ब्रश करने का टाइम नहीं मिला मुझे पानी माउथ वॉश दे दे मैं एक दफा रेंज कर लूँ तो लाइक ये उनकी भी समझ आ जाती है कि चलो ठीक है बाहर से एक बंदा है वो पान खा रहा है वो, ये वो, ये। वो पान खा रहा है अभी उसके फुल स्टेनिंग हुई हुई है उसके फुल कैलकुलस है और उसके ऊपर पूरा अंदर पान है और मैंने फिर कहा कि भाई आप मतलब कुल्ली करें ना ये तो इतने अनबॉडेड पेशेंट्स आते हैं लिटरली मेरी एक फ्रेंड हमारा असल में हाउस जॉब के ड्यूरिंग हाउस जॉब ऐसे सेमी गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते तो आपको पता है उसमें हर क्लास के लोग आते हैं तो एक पेशेंट आया उन्होंने मेरी दोस्त उन्हें अटेंड कर रही थी उसने ऐसे हिस्ट्री के दौरान पूछते हैं ना आपने आप कितनी दफ़ा दिन में ब्रश करते कि तो आखिरी दफ़ा मेरा ख्याल है मैंने छः महीने पहले ब्रश किया था और आप, और आप इमेजिन कर सकते हैं कि उसकी ओरल हाइजीन कंडीशन क्या होगी अच्छा चलो शुक्र है उसने ये बता दिया कि हम मैंने छः महीने पहले किया है अक्सर पेशेंट्स ये कहते हैं डॉक्टर साहब तीन दफा ब्रश करते हैं हाँ, तो पता लग जाता है अब लेकिन आप पेशेंट को डायरेक्टली ऐसे मना नहीं कर सकते कि नहीं आप ब्रश नहीं करते वो मैंने किया हुआ मैं ये लेकिन नहीं एक दफा <laughs> मैं ये नहीं करती मैंने नहीं वो मुझसे लड़ रही थी लिटरली पूछो क्या साले झूठ <laughs> <गया गया> <laughs> <जुट नहीं>, बोलता <laughs> नहीं नहीं वो मुझसे लिटरली लड़ने लगी कि तुम्हें मैं लगता है झूठ बोल रही हूं मैं दिन में 3 4 दफा ब्रश करती हूं ऊपर से आ रही थी मैं बताती हूं मां जो पेशेंट्स कहते हैं ना कि मैं दिन में 3 उनके है आपको देख पता चल जाता तो है।, हाँ। तो है, है आप तीन दफा नहीं आप उनको बहुत स्वीटली कहते हैं अच्छा आप तीन दफा ब्रश करिए बिल्कुल आप करती होंगी लेकिन फिर आप ठीक तरह नहीं कर रही है ना नहीं फिर वो चुप कर जाते हैं कि हाँ दिन में तीन दफा कर रही हूँ बट शायद फिर मैं ठीक तरह नहीं कर रही और वो फिर डिप्लोमेटिक सी, एक और सी है। बात है हाँ। लेकिन आप क्योंकि लोग मानते नहीं है आपको और आप के, पड़ता है, नहीं। मतलब मैं एक मट्टी वाला हाथ लेके आ जाऊँ आपके पास और मैं मैं अभी हाथ धो तो के आई हूँ हाथ नहीं धोया ना और मतलब हाथ नहीं धोए तुम्हारे हाथ पे मट्टी लगी हुई है फिर आप कहोगे कि शायद आपने धोए लेकिन आपने शायद सही तरह तो फिर पेशेंट ना इस तरह है एक पेशेंट को मैंने प्रॉपर बैठकर ब्रशिंग टेक्निक्स सिखाई थी क्योंकि वो कह रहे थे कि नहीं मैं इतना अच्छा ब्रश करता हूँ सबको सिखाता हूँ हाँ। तो oh. मैं हाँ। 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 is मैंने जो चीज़ नोटिस की है यहाँ पे एक्स्ट्रा फ्रेश टूथ ब्रश भी जो होते हैं ना वो एक्स्ट्रा फ्रेश तो क्या वो फ्रेश ही नहीं होते यहाँ पे बहुत ज्यादा माइल्ड फ्लेवर मिलते हैं यहाँ पे वो जो एक होता है ना फॉर एग्जाम्पल जो जलने वाला होता है यानी कि फ्रेशनेस सपोज टू मिंट आउट योर माउथ योर थ्रोट योर लंग्स एवरीथिंग ताकि जब आप सुबह उठो तो यू यू नो यू हैव अ गुड ब्रेथ एंड बिफोर यू गो टू स्लीप यू हैव अ गुड ब्रेथ टू बट यहां पे जितने भी टूथ मिलते हैं ना देर नॉट फ्रेश एट ऑल मैं लेकर आया था एक दो एक्स्ट्रा फ्रेश और मैंने हर ब्रांड के ट्राई किए और वो एक्स्ट्रा फ्रेश नहीं होते एंड आई रियलाइज वन थिंग दर इन कैनेडा द माइल्ड पाकिस्तान और उनके एक्स्ट्रा फ्रेश पेनफुल एक्स्ट्रा फ्रेश होते mm. हैं उनके जो माउथ वाशेज भी होते हैं उनके अंदर एल्कोहल होती हैल्कोहल इज सपोज टू किल द बैक्टीरिया इन यूर माउथ उसका एक पर्पज होता है यहाँ पे वो अलाउड <coughs> नहीं कर अलाउ नहीं है उसका yeah. लेकिन दर इज टू मी यू आर नॉट ड्रिंकिंग दर एल्कोहल यूर जस्ट वॉशिंग यूर माउथ जैसे फॉर एग्जाम्पल एल्कोहल स्वाब्स होते हैं सैनिटाइजर mm. mm. uh,

और तुम्हें पता ना अबाउट सो मेनी टाइम्स के लाहौर के पाकिस्तान में अक्सर लोगों को आदत होती है कि वो यहाँ आके बात करते हैं वो बहुत के ऊपर चढ़ के बात करते हैं नो पर्सनल स्पेस का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना तो देख वन ऑफ माइंड अगर उसने कभी ब्रश किया हो ना तो मैं अपनी सारी जायदाद उसको दिल्ली <laughs> <आगर। laughs> मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ कि <laughs> उसने <laughs> कभी जिंदगी में ब्रश को हाथ ही लगाया he would be standing across the table and I could smell his lungs. <laughs> I could freaking smell his inside of his body. I could smell everything. And I would... And obviously, he used to climb up and talk. So I used to go to the table and he used to come to the table. And he wasn't able to catch the hint that I was uncomfortable. And he used to come close too. So he used to come here and talk. I'm not kidding. This distance. And I would just step back a bit and then this distance. And then came a time where I was like, dude,

that the dentists could answer if you guys have looked into it but i've heard this and don't judge me on this anyone i've heard if you don't fart it comes out from your mouth is that true basically gases are na to wo aapke intestinal gases somehow wo to niklen gi ha matlab zaruri <laughs> nahi hai ki wo fart wali hi gas thi jo tum muh se fart kar rahe the really sahi hai sahi yeah, mean, hai main ye soch raha hu ki question so normal for them. <laughs> <laughs> because they're <laughs> physicians <laughs> now. You <get> the <laughs> physicians. <laughs> <laughs> Good, yeah. I'm glad you said it okay. like that. <laughs> Why not <laughs> first time? <laughs> <laughs> okay, maha, do you get that uh, dentist? i <laughs> <laughs> do you get that? i <laughs> not <laughs> नहीं मैं मुझे इस चीज से याद आया ना कि चाहे ये एक बहुत जनरल क्वेश्चन था <laughs> क्या किया तो मैं सवाल क्या था मैंने सुना ही नहीं डेंटिस्ट आर नॉट डॉक्टर्स वाला सवाल आई डू गेट दैट डेंटिस्ट आर नॉट डॉक्टर्स

हम डॉक्टर्स नहीं है हम सर्जन उनसे भी ज्यादा बड़ी चीज मुन्ना भाई आ, नहीं होता है कान के डॉक्टर के नहीं, को नहीं पता हड्डी तुम्हें पता ना दो सौ अस्सी टाइप के तो सिर्फ हड्डी ही है लोग ना हमें जज भी ऐसे करते हैं क्या इनको <laughs> कौन सा होगा कुछ इसको तो सिर्फ डांस में बस हमें मोस्टली बताए लोग क्वेश्चन क्या करते हैं मोस्टली

अब वो जिस तरह बात कर रहे थे ना मैं भी उन्हीं टर्म्स में बात कर रही थी कि अच्छा हाँ जी इसमें ये सॉल्ट है जी डॉक्टर साहब ये ये भली चीज़ ले रहे हैं जी ये आम, ट्वाइस अ डे इस तरह करके ये करें सारी चीज़ें मैं उनको ज़रा थोड़ी सी मेडिकल टर्म्स में जितनी मुझे आती थी मैं भी कुछ तो ख़ास आता नहीं था तो मुझे ना बाबा की ई दिखा रहे और मुझे दिखा के कहते हैं कि ये ये देखें ये ये वेव है तो आप डॉक्टर हैं मैंने कहा मुझे मैं अभी भी एम्बेरस फील करती हूँ कहते हैं Uh, आप डॉक्टर हैं मैंने कहा जी सर मैं डेंटिस्ट हूँ

बहुत अरसे से हमने इतनी लंबी नहीं है हाँ। मजा मजा को दोबारा भी आना चाहिए पता <laughs> <Done>. <laughs> 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 और तो <laughs> पता तो गप्पे मारते मुझे है घंटा जितने थे, उसमें से मैक्सिमम मैंने दो सवाल पूछे <laughs> 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 हमारी इतनी जबरदस्तेशन ऑफ द ग्रेट इट्स वेरी गुड इट वेरी गुड बट लाइकउटर टाइम

<laughs> <laughs> बादा बादा है नहीं। इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता सोशल मीडिया पे तो जिंदगी में ठीक है ज़्यादा हो जाएगी अभी हम कह डेढ़ घंटे की हो गए लंबी हो गई ताकि महा सारी बातें बताए ना रखोग अगली दफा जब बुलाओगे इससे दो दिन पहले बताऊंगा कि शावीर ये

16 <laughs> 16 <laughs> 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 16 को वर्कशॉप स्टार्ट हो रही है 16 से 9 to 16 है. कर लो तुम हाँ वो ठीक है 9 से 15 कर लो 10 को पाकिस्तान इंडिया का मैच है 10 को वो देखेंगे बिल्कुल ठीक है है सही टिकट्स अरेंज्ड वेल होटल्स वगैरह भी हो जाएंगे नो प्रॉब्लमो इफ यू एक्टिडरिंग है ना चलो वन सेकेंड यार Thank you guys both. So thank guys you us. guys were awesome you today. You partner, thank you so much for Thanks coming partner. on to the podcast and uh, being the co-host always. हाँ तो painting जो कर रही हूँ मेरे iPad पे live interview के अंदर शर्म ही <laughs> नहीं आती तुम्हें. <laughs> Sorry. <laughs> ये मेरे पास है नहीं ना तो मैं enjoy कर रही हूँ. <laughs> क्या मसला है तो ले ले यार क्या इसमें सुभाषोर अवस्थी नाउ तो यूर गोक एयरपोर्ट पे रोक लेंगे हां देखिए ये ये करना जरूरी था नक्चुअली मीटू वाले मेरे पीछे अक्सर पड़ जाते हैं मेरी रेपुटेशन मार्केट के अंदर इतनी अच्छी थी यार वो मैं कुछ करता ही नहीं फिर भी यार मैंने एक वीडियो बनाई थी कॉमेडी पढ़ जाते हैं कि हाँ, कुछ तो यार हाँ, उनको है यार हाँ, मैं भी तो छेड़े कोई टोटली <laughs> <थी> <laughs> <करा। Totally joking. laughs> हुआ ये था कि वो मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड की थी आई डोंट नो इफ यू गाइस सॉ इट वाज लाइक आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट इट थिंग इज़ व्हेन यू आउट सी यार yeah, yeah, जिसके अंदर मैं वो uh, I, Yeah, just I a and I a pillow on her face. But that wasn't her face. That nah, was her. Foot. It was supposed to be like a so, funny video. haha, ha, husband trying to kill his wife. Whatever. It was not done in bad light, but it was received but, in bad ha. light by a few people, and uh, they just went off at me, and I didn't respond to anybody, and then it died and hmm. then i realized they died too I'm <laughs> sure me too uh, individuals and me too would be watching the podcast too and they probably love the show thank you so much we love you too okay kya tha okay, 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 okay. <laughs> okay you love me you love me okay, bye bye thank Allah you so is. much <laughs> bye bye aap log <laughs> ka like camera hai so okay okay okay, okay. okay. <laughs> Allah okay <laughs>